सुप्रभात, आज हम आप सबके समक्ष पाठ टू बी शुक्ला पर एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मैं कथानायक का किरदार निभा रही हूँ और मैं अध्यापिका और डब्बू का किरदार निभा रही हूँ। मैं माली और राहुल का किरदार निभा रही हूँ। मैं पिता और वीलू का पात्र निभा रही हूँ। मैं गुड्डू का किरदार निभा रही हूँ। मैं टोपी का किरदार निभा रही हूँ। इरफान के पिता कलेक्टर थे, इसी कारण से उनका तबादला हो गया था। इरफान के जाने के बाद टोपी बहुत अकेला और उदास पड़ गया था। इरफान के अलावा कलेक्टर ठाकुर हरिनाम सिंह के तीन लड़के थे, गुड्डू बिल्लू और डब्बू। टोपी की इन तीनों से ही मित्रता ना हो पाई क्योंकि ये तीनों बहुत घमंडी थे। एक दिन टोपी इन तीनों से मिलने गया जब ये तीनों क्रिकेट खेल रहे थे। आइए देखते हैं वहाँ क्या हुआ। अरे टोपी, बड़े दिनों बाद आए हो, चलो आओ अंदर आओ, क्रिकेट का मैच चल रहा है, तुम भी खेलो। तभी गुड्डू ने बॉल डाली और डब्बू ने हिट किया। गेंद सीधी टोपी के मुंह पर आई, उसने घबरा कर हाथ उठाया। How's that? Out. Hey, this is not fair. Who is he? Who are you? हम बलभद्र नारायण हैं। Who is your father? भृगु नारायण। ये भृगु नारायण कौन है? Any of your chaprasis? नहीं साहब, ये शहर के मशहूर डाकघर है। डॉक्टर, व्हाट इज दैट? डॉक्टर मरीजों का इलाज करते हैं साहब। डब्बू, ही मींस डॉक्टर। ओह यस, बट ही लुक्स सो क्लमजी। ही डज नॉट लुक लाइक हिज फादर्स अ डॉक्टर सर। एक कान के नीचे लप्पड़ लगाएंगे ना, फिर मैं तारे दिखा दूंगी। व्हाट थिंक यू आर? अभी बताएं माली, टेक हिम अवे, गेट लॉस्ट। टोपी वहाँ से चला जाता है और अपने कमरे में रोने लगता है। उसे अपने साथ फील करने पर पूरे बात की याद आता है। कक्षा का दृश्य। चलो बच्चों, आज हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे। बलभद्र, तुम बताओ व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? मैं? हाँ तुम? वो पाइथागोरस अभी भी नहीं आता, 2 साल से इसी क्लास में और तुम्हें अभी भी ये नहीं पता। कितने नालायक हो तुम। राहुल, तुम बताओ पाइथागोरस थ्योरम? तुम्हें भी नहीं पता? अरे नालायक हो, अपनी बुद्धि में एक बार डाल लो। अगर ये बातें याद नहीं करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, तो इसकी तरह इसी साल में इसी कक्षा में पढ़ना अगले साल भी। टोपी का सिर शर्म से झुक जाता है। टोपी अपने बुरे अतीत से बाहर आ जाता है और पढ़ने लगता है। तभी हाँ जी जनाब, घर आने का टाइम मिल गया आपको। इस बार भी 9वीं कक्षा में फिर से कर रही है आपको पढ़ाई लिखाई, तो कोई ध्यान में रखती नहीं है। हमेशा की तरह पढ़ाई अधूरी छोड़कर वहां से चला जाता है। धन्यवाद।